हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए थे रिलेटेड टू लाइक जब आप वहाँ से कोई इंडिया से या पाकिस्तान से आ रहे हो तो वहाँ से आप कोई कोर्स लेके आते हो और यहाँ पे आके आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया ने वन मंथ पहले क्या लेटेस्ट जो रूल्स थे जो चेंजेस किए हैं लाइक स्पेशली फॉर स्टूडेंट वीज़ा, तो उसको लेके स्टूडेंट के काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, आपको बताते हैं कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है और वो एक्चुअल में है क्या। तो रियलिटी वो नहीं है, एक्चुअल में रियलिटी ये है, इसका आंसर यही है कि अगर आप वहाँ से आ रहे हो कोई भी कोर्स लेके तो आप यहाँ पे आके क्या उसको चेंज कर सकते हो, आप क्या है लीगली भी उसको क्या चेंज कर सकते हो। बट जब भी आप का वीज़ा ग्रांट होता है तो उस पर क्या वीज़ा कंडीशंस लिखी होती है लाइक ये जो अभी जो न्यू रूल आया था कि आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे आके, मास्टर से बैचलर में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ, तो वो रिसर्च वालों के लिए था। जो रिसर्च के स्टूडेंट होते हैं तो वो लाइक काफ़ी हाई लेवल का स्टडी हो गया तो उनके लिए वो क्या रूल्स थे कि वो इतना एक्सपेंसिव कोर्स लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके वो क्या है न्यू वीज़ा डाल देते हैं या न्यू कोर्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको क्या काफ़ी लॉस हो रहा था इन रिसर्च सेक्टर। और वो जो था वो इंडियन या पाकिस्तानी इन मतलब एशियन कंट्री के लिए नहीं था, जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं लाइक उनके लिए था, अपना उनसे कुछ लेना देना नहीं है लाइक ईरान वगैरह उस साइड में जो थे उनसे उनका था वो मीन उनके लिए ये कंडीशन थी वो क्या अप्लाइड थी। तो आप यहाँ पे आके कोर्स चेंज कर सकते हो, लीगली कर सकते हो, बट इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं लाइक अगर आप वहाँ पे लाइक मास्टर्स वीज़ा पे आप आ रहे हो, मास्टर वीज़ा का आपने यहाँ पे इनरोल किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि हाँ मैं मास्टर्स से बैचलर में चला जाऊँ, तो वो तो आपको भी पता है इलीगल होगा, टोटली वो इलीगल है, आप ऐसे वीज़ा कंडीशन है वो ब्रीच नहीं कर सकते। जब भी आप वीज़ा लाइक जो अपना स्टूडेंट वीज़ा होता है वो 500 सब क्लास होता है, आप सर्च करोगे ऑस्ट्रेलियन कमीशन की साइट पे जाके देखना, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप जो वीज़ा कंडीशन है वो ब्रीच नहीं कर सकते लाइक वर्किंग कंडीशंस सभी कुछ मेंशन किया होता है उस पर, तो क्या आप मास्टर से बैचलर में नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, काफ़ी स्टूडेंट मैंने वो क्वेरी होती है कि मैंने वहाँ पे जाना है और मैंने छोटा मोटा कोर्स लेना है, काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है, तो उसमें क्या होता है लाइक अगर आप आपका बैचलर पे वीज़ा है, आपका मास्टर पे वीज़ा है और आप डिप्लोमा में जाना चाहते हो, तो उसमें क्या अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हो तो पहले वाला जो आपका स्टूडेंट वीज़ा होगा वो कैंसिल हो जाएगा, आपको न्यू वीज़ा फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे आके। अगर आप कोई भी अदर लाइक लेवल डाउन जाते हो तो उसमें क्या आपका वीज़ा है वो आपको न्यू फाइल करना पड़ता है, आप उसी वीज़े के भी आप अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा वीज़ा आया हुआ है स्टूडेंट वीज़ा और मैं वहाँ पर जाके डिप्लोमा कोई भी चूज़ कर लूँगा उसके सीओ ले लूँगा, ऐसा नहीं है, आपको वीज़ा न्यू फाइल करना पड़ेगा जब भी आप अपना लेवल चेंज करते हो, चाहे आप मास्टर टू बैचलर आओ या बैचलर टू डिप्लोमा आओ, तो आपको क्या है वो न्यू वीज़ा फाइल करना पड़ता है, स्टार्टिंग से प्रोसेस करना पड़ता है। तो बी अवेयर इसके बारे में, मे भी आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कंडीशंस होती है, तो आप क्या है वीज़ा कंडीशन है वो ब्रीच नहीं कर सकते। हाँ अगर आप मास्टर टू मास्टर जाना चाहते हैं, बैचलर टू बैचलर जाना चाहते हैं तो आप इजीली आपको सीओ ही मिल जाएगा। और एक चीज़ और, काफ़ी स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि मैं वहाँ पे आऊँ लाइक उन्होंने क्या वहाँ से सिर्फ वीज़ा ग्रांट करने के लिए लेवल वन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे आएँ और क्या अपना सीओ चेंज कर लें, कोई भी कोर्स में चले जाएँ, लाइक कोई बैचलर ऑफ नर्सिंग में आ रहा है तो उसका फ़ी काफ़ी होगा, तो वो चाह रहा है कि मैं पब्लिक हेल्थ में चला जाऊँ या कोई और कोर्स कर लूँ जिसका $6,000-$7,000 फ़ी हो वन सेमेस्टर का। तो एक्चुअल में क्या ऐसा नहीं होता, अगर वहाँ से आपने सीओ ली है कोई भी कोर्स की, कोई भी यूनि की, तो आपको यहाँ पे आके 6 मंथ कंप्लीट करने होंगे, 6 मंथ कंप्लीट किए बिना आपको कोई भी कॉलेज कोई भी यूनि रिलीज लेटर नहीं देगी। आपको 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद क्या रिलीज लेटर लेना होता है नेक्स्ट कॉलेज या कोई भी यूनि में अप्लाई करने के लिए। आपके पास रिलीज लेटर नहीं होगा तब तक आपको क्या है नेक्स्ट वाली यूनि क्या है आपको सीओ ही नहीं देगी। और आपको भी पता होगा कि आप यहाँ पे विदाउट सीओ स्टे नहीं कर सकते, बिकॉज अपने क्या है टेम्परेरी होते हैं स्टूडेंट है वो क्या विदाउट सीओ यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज जो फ्रेशर आते हैं लाइक जिन्होंने प्लस टू किया है तो उनको कोई अच्छे से गाइड नहीं करता, तो ये सब कंडीशन होती है, आपको 6 मंथ कंप्लीट करना पड़ेगा, आपकी जो वीज़ा कंडीशन है वो आप ब्रीच नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आके काफ़ी अवेयर रहना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कोर्स आप चेंज करो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है,
ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा. इवन मेरे काफ़ी नॉन स्टूडेंट्स थे यहाँ पे जिन्होंने क्या है वीज़ा चेंज सॉरी कोर्स चेंज किए यहाँ पे आके. इवन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वीज़ा भी चेंज किया था, बट वो इलीगल है. इवन रिस्की रहता है कि लाइक आपका पहले वाला जो है वो कैंसिल हो गया और आप न्यू वीज़ा फाइल कर रहे हो, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक ग्रांट होगा, कितने डेज में ग्रांट होगा, वो ग्रांट होगा या नहीं होगा. तो वो रिस्क होती है. अगर आप वो चाहते हो रिस्क लेना तो आप ले सकते हो, बट मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वहीं से ऐसा कोर्स चूज़ करें जहाँ से भी आप आ रहे हैं कि यहाँ पे आके आपको चेंज करने की नौबत ही ना आए. लाइक अभी वहाँ से कुछ स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने पब्लिक हेल्थ में एडमिशन ले लिया या कुछ और सोशल वर्क में ले लिया, मैं यहाँ पे आके नर्सिंग करना चाहता हूँ. तो एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे आके आपको नर्सिंग ही करनी है तो आप पब्लिक हेल्थ में क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे. एक तो आपने 6 मंथ आपका टाइम वेस्ट होगा, देन आपको कॉम्प्लिकेशन लाइक यहाँ पे होगा कि आपको चेंज करना है, न्यू सीयू लेना है, अर्जेंट फाइंड करना पड़ेगा आपको, एंड आपकी 6 मंथ की जो भी फीस है वो क्या है टोटली वेस्ट जाएगी. जो भी आपने इनरोल किया वो आपको 6 मंथ कंप्लीट करने पड़ेंगे, चाहे आप उसमें स्टडी करो या ना करो. आपको ये होता है कि मैंने चेंज करना है तो मैं स्टडी नहीं करूँगा, असाइनमेंट नहीं सबमिट करूँगा, बट आपकी जो फ़ी है इवन 7-8 thousand तो मिनिमम आप पे करोगे ना 6 मंथ्स के, तो वो तो आपको आपकी वेस्ट जाएगी, एंड जाएगी, उसका कोई मीन नहीं रहता. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं से ऐसा कोर्स लेके आएँ कि यहाँ पे आपको चेंज ना करना पड़े और आप यहाँ पे आके उसको क्या कंटिन्यू कर सकें. तो ये क्वेरी थी काफ़ी स्टूडेंट्स की, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है. आप कोर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, यूनि वगैरह भी चेंज कर सकते हो, तो इतना कोई वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है. अगर आप कोई यूनि में इनरोल कर रहे हो और आपको वो यूनि अच्छी नहीं लगी, एक सेमेस्टर आपने फिनिश कर लिया, तो आप दूसरी यूनि में अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो वहाँ पे. ये भी यहाँ पे क्या आप कर सकते हो. कैंपस आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप कैंपस भी यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हो यूनि में. तो ये एक छोटा सा वीडियो था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो. इवन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया मेरा इंस्टा का और टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जाके आप क्या मुझे DM कर सकते हो कोई भी आपकी क्वेरी होती है. तो सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.